हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुजी इन एक्शन। मैं नवीन शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप ही के चैनल गुरुजी इन एक्शन में। दोस्तों आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि थाईलैंड का वीजे की फीस हो गई है बिल्कुल माफ, यानी कि कोई भी इंडियंस और टोटल 21 कंट्री को थाईलैंड गवर्नमेंट ने दिया है ये उपहार जिसमें उनके वीजा की जो फीस है वो कर दी है माफ। तो दोस्तों आज उसी से जुड़ी कुछ एक नई अपडेट आई है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, तो कृपया हमारी वीडियो पूरा देखते रहे हैं क्योंकि हम अब करने जा रहे हैं इस वीडियो को आरंभ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि थाईलैंड गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए दिया है एक बहुत ही बेहतरीन उपहार, 2 महीनों के लिए अपना थाईलैंड का वीजा फॉर इंडियंस एंड टोटल 21 कंट्रीज के लिए माफ कर उनकी फीस। तो दोस्तों उसी से जुड़ी ये नई अपडेट है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि मैंने पहले जो वीडियो में बताया था आपको कि 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक आपका वीजा की जो फीस है वो बिल्कुल माफ कर दी गई है थाईलैंड गवर्नमेंट द्वारा। तो दोस्तों अब आपको बता दूं कि इस पे नया अपडेट ये आया है कि वो 1 दिसंबर से जो फीस जो थी वो माफ की गई थी वो अब उससे भी पहले, यानी कि 15 नवंबर से लेकर 13 जनवरी तक वो फीस कर दी है बिल्कुल माफ। यानी कि पहले जो था 1 दिसंबर से 31 जनवरी 2019 तक, अब उसे थोड़ा सा पहले कर 15 नवंबर से लेकर 13 जनवरी 2019 तक कर दिया गया है। तो जो भी इंडियंस हमारे भाई हैं वो चाहते हैं कि अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करना थाईलैंड पटाया या बैंकॉक जैसी जगह में जाकर, या फिर हमारे इंडिया के जो भी क्रिश्चियन भाई हैं, या फिर हमारे इंडिया के जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी भाई हैं वो चाहते हैं कि अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करें थाईलैंड या पटाया या बैंकॉक जैसी जगह में जाकर, तो उनके लिए बहुत ही प्यारा सा बहुत ही सुनहरा मौका है क्योंकि फीस माफ होने पर आपके पॉकेट में बचेंगे लगभग 4,440 रुपए जिससे आप अपने टूर में और भी मस्ती कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।